फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं बाड़मेर में। बाड़मेर में हिंगलाज माता जी के मंदिर में मैं आपको पूरा मंदिर का दृश्य दिखाऊंगी। वही फ्लावर मुझे वहां से टूटे हुए किसी के मिले थे तो मैंने उठा लिए हैं, मैंने तोड़े नहीं है। हिंगलाज माता जी के मंदिर जो बाड़मेर से 1.8 किलोमीटर डिस्टेंस पर है और जो जसई रोड पर है और बाड़मेर रेलवे स्टेशन से 2.6 किलोमीटर दूर है। मंदिर में जो अखंड ज्योत है वह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित माँ हिंगलाज शक्तिपीठ से लाई गई है और बाड़मेर में हिंगलाज के इस मंदिर में प्रतिस्थापित की गई है। कहा जाता है कि बलूचिस्तान स्थित माँ हिंगलाज के दर्शनों के लिए भारत के लोगों की बहुत इच्छा होती थी, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाती थी, इसलिए माँ हिंगलाज के ज्योति स्वरूप को यहाँ लाया गया और बाड़मेर के इस मंदिर में इस अखंड ज्योति को स्थापित कर दिया गया। रिसाला द्वार से आपको एंट्री लेनी होगी, इसके लिए आपके पास आई कार्ड होना ज़रूरी है और अगर आप टू व्हीलर से आए हैं तो आपके पास हेलमेट होना ज़रूरी है, नहीं तो वह एंट्री नहीं देंगे। अब हम पहुंच चुके हैं हिंगलाज माता जी के धाम पर। जय माता दी। हम आए हुए हैं यहाँ पे हिंगलाज माता जी की मंदिर। जो ये मंदिर है वो भगवान शिव और पार्वती जी का मंदिर है। हाँ, जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इस मंदिर को हिंगलाज माता का शक्तिपीठ क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का रहस्य आज मैं आपको बताती हूँ। हिंगलाज माता सती माता का ही एक रूप है। माता सती राजा दक्ष की बेटी और भगवान शिव की पत्नी थी और शिव पुराणों में कहा जाता है कि भगवान शिव सम्मानवासी भिक्षुक थे, इसलिए राजा दक्ष उनके प्रति निरादर का भाव रखते थे। इसी के चलते राजा ने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए महायज्ञ का आयोजन किया
और जिसमें भगवान शिव एवं माता सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। शिव के इसी अपमान को माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने यज्ञ में जाकर यज्ञ यज्ञनी में आत्मदाह कर लिया। इस पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और यज्ञ स्थल पर जाकर राजा दक्ष का सिर काट दिया और सती के सब को उठाकर तांडव नृत्य करना आरंभ कर दिया, जिससे धरती कांपने लगी। ऐसे में भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जहाँ पर गिरे वह स्थान पवित्र शक्ति पीठ के रूप में स्थापित हो गया। उन्हीं शक्ति पीठों में से एक है बलूचिस्तान का हिंगलाज शक्ति पीठ, जहाँ पर माता सती का सिर गिरा, जिसके ललाट पर सिंदूर था। सिंदूर को ही हिंगलू कहा जाता है और इसी हिंगलू से हिंगलाज शब्द बना। तो इसके पीछे इस कहानी का रहस्य है। पहले यहाँ पे पानी का झरना भी आया। आप यहाँ के पुजारी हो? अच्छा, डे टाइम में आते कितना ब्यूटीफुल लगता, अच्छा लग रहा है यार, है ना? माता रानी का मंदिर। यहाँ बच्चों के लिए झूले बनाए गए हैं और वो एंजॉय कर सकते हैं। ब्यूटीफुल ना, ये बरगद का पेड़ है। होप यू लाइक माई वीडियो। मेरी और वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ यू।